नमस्कार, मैं जिग्नेश ऑल्ट न्यूज से। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर आज तक गुड़गांव नाम के एक अखबार में प्रसारित हुए एक लेख की है। लेख का शीर्षक है, हिंदुओं का मांस खाते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं। लेख में इस तस्वीर का हवाला देकर यह कहा जा रहा है कि तस्वीर में देखे जा रहे व्यक्ति जो मुर्दा लाश को काट रहे हैं वो रोहिंग्या मुसलमान है। ये हिंदुओं को काट कर उनका मांस खा रहे हैं और ये रोहिंग्या मुसलमानों को हरियाणा के मेवात में पनाह मिली है। ध्यान रहे कि आज तक गुड़गांव का इंडिया टुडे ग्रुप के आज तक से कोई लेना देना नहीं है। दैनिक भारत नाम की एक वेबसाइट ने भी इस वायरल क्लिप के आधार पर एक रिपोर्ट प्रसारित की है। डरावनी खबर, हिंदुओं का कत्ल कर उनका मांस खा रहे हैं रोहिंग्या, मेवात का मामला खबर विचलित कर सकती है, कुछ ऐसी ही हेडलाइन के साथ। इसी घटना के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रशांत पटेल उमराव ने भी एक समान दावे के साथ ट्वीट किया था। तो क्या इस भयानक तस्वीर के साथ फैलाया जा रहा दावा सही है? जी नहीं, दरअसल ये टिबेट के बुद्धिस्ट समुदाय द्वारा किए जाने वाली अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का है। स्काई बरियल साधारण भाषा में कहे तो आकाशीय अंतिम संस्कार से संबंधित है। इंटरनेट पर इस तस्वीर को 2009 के एक ब्लॉग में प्रसारित किया गया था। इस ब्लॉग के मुताबिक ये टिबेट के बुद्धिस्ट समुदाय द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का ही है। यूट्यूब पर इस प्रथा के कई वीडियोस देखने पर पता चलता है कि इस टिबेटियन प्रथा के मुताबिक लाश के टुकड़े करके गिद्धों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने भी इस विषय पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। कुछ और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस तस्वीर को साझा करते हुए ये तिब्बतियन प्रथा होने का दावा किया है। ऐसी किसी भी भड़काऊ तस्वीर को साझा करने से पहले दो बार जरूर सोच ले। एक इंसान के दूसरे इंसान का मांस खाने जैसी कोई गंभीर खबर मुख्यधारा की मीडिया में रिपोर्ट ना हो, ऐसा असंभव है। अक्सर ऐसी तस्वीरों को गलत जानकारी के साथ सोशल मीडिया पर समाज को बांटने के लिए फैलाया जाता है।